केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार की हालिया स्थिति कैसी है, इस बात का अंदाजा भाजपा समर्थित छात्र इकाई कहे जाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लगातार मुखरता से लगाया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी लगातार भाजपा की दोनों सरकारों को रडार पर लेकर चल रही है। धर्मशाला में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की करनी और कथनी को लेकर एबीवीपी ने मूक रैली निकाली और चुपचाप बैठकर प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी का मानना है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें ढिंढोरा पीटती हैं कि इन दिनों देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। बावजूद इसके अगर धरातल पर हालिया स्थिति देखी जाए तो डबल इंजन तो नजर आ रहा है, मगर वो चलता हुआ नहीं बल्कि घिसता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार के नुमाइंदे जो कहते हैं उस पर खरा नहीं उतरते। एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारियों की माने तो केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश को केंद्र द्वारा दिया गया बहुत बड़ा आयाम है। बावजूद इसके आज यही आयाम इन राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का आयाम बनकर रह गया है। जैसे ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सुधार स्थायी कैंपस को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने लग जाती है, मगर जैसे ही चुनाव खत्म सीयू का मुद्दा भी खत्म हो जाता है। एबीवीपी के कांगड़ा जिला संयोजक अभिषेक राणा ने बताया कि बीते साल हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जो भाजपा की डबल इंजन की सरकारों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति की उसे कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने चुनावों के साथ ही सीयू के स्थायी कैंपस का मुद्दा भी जल्द से जल्द हल करवाने के लिए टीमों का गठन करवा दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस का ढकोसला भी पीट दिया। यहां तक कि तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बुलाकर स्थायी कैंपस के लिए भूमि पूजन तक करवा दिया, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके उपरांत भूमि पूजन के बाद न तो उस भूमि पूजन का मान रखा गया और तो और जो भूमि पूजन के महानुभावों के नामों का पत्थर सजाया गया था वो भी आज कहीं नजर नहीं आ रहा। भाजपा के नेता कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, मगर एबीवीपी कहती है कि डबल इंजन अब फेल हो चुका है और अब छात्र संगठन इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगा और सीयू के स्थायी कैंपस को लेकर अब बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। अभिषेक राणा ने कहा कि आगामी 10 नवंबर को एबीवीपी जिला भर से छात्रों को इकट्ठा करके धर्मशाला में बड़ा आंदोलन करेगी और अगर फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी तो फिर आगे की रणनीति भी अख्तियार की जाएगी। जी, हमारा आज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो आंदोलन चल रहा है जो निरंतर वर्ष 2009 से ही चल रहा है, तो आज जो हमारे यहाँ पर एक मूक प्रदर्शन है कि किस तरह से इस गुंगी बैरी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो एक राजनीति करने का काम किया है उसके लिए विद्यार्थी परिषद बिल्कुल अड़िग है। विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलनों के माध्यम से इस सरकार को जगाना चाहता है कि किस तरह से इस विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीति करना बंद करे, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह प्रदेश की सरकार हो। अगर ये बात कहते हैं हर वक्त एक डबल इंजन वाली सरकार की, तो मुझे नहीं लगता कि इस डबल इंजन वाली सरकार ने कुछ ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कार्य किया है जो अभी तक हमारे समक्ष हो। कि किस तरह से पिछले अगर हम एमपी इलेक्शन की बात करें तो तत्काल एचआरडी मिनिस्टर आते हैं और यहाँ पर किस तरह से जो भूमि पूजन करके जाते हैं, जो शिलान्यास करके जाते हैं, पर उसके बाद भी एक भी यहाँ पर पत्थर रखने के बाद भी कार्य का नहीं चलना, वो आप सभी के समक्ष है कि एक राजनीति का शिकार यह यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी का जो मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक ढकोसलों में करते हैं कि किस तरह से अगर यहाँ पर दोनों जो प्रमुख दल हैं, चाहे वो वर्तमान की सरकार है चाहे वो पिछली सरकार है, दोनों ने इस यूनिवर्सिटी का जो कार्य है, जो इस यूनिवर्सिटी का जो मतलब निकाला है, वो अपने सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में निकाला है कि वह लोगों के समक्ष जाकर इस राजनीति के ढकोसले जाकर लोगों के समक्ष रखते हैं। वो कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी का निर्माण जल्द से जल्द करेंगे और आम जनता और छात्रों के साथ ये जो शोषण कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद इसे जरा भी नहीं सहने वाला है। आगामी विद्यार्थी परिषद अब अपना आंदोलन बिल्कुल तेज करने वाला है। आगामी 10 तारीख को विद्यार्थी परिषद जिला मुख्यालय में पूरे जिला भर से छात्रों को इकट्ठा करके एक यहाँ पर प्रदर्शन करेगा, वह सरकार के खिलाफ अड़िग रहेगा। जब तक स्थायी परिसर का निर्माण की जो हमारी डिमांड है वो पूरा नहीं करते हैं तब तक विद्यार्थी परिषद अपनी मांग को लेकर ऐसे ही अड़ा रहेगा और आंदोलन करता रहेगा।